सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज नेशन में। आज के नॉलेज में बात होंगी द ग्रेट एम्पायर ओटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया के संस्थापक इर्तुगरुल गाजी के बारे में। दोस्तों, इर्तुगरुल गाजी जो थे वो बहुत बड़े साम्राज्य के संस्थापक थे, जो साम्राज्य से उनका बेटा उस्मान गाजी के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में ओटोमन एम्पायर। तो इतने बड़े साम्राज्य जो 56 देशों में फैला हुआ था, लगभग 1299 से लेकर के 1918 तक, 1299 टू 1918 AD तक फैला हुआ था, और दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही यह साम्राज्य का अंत हुआ। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि कबीले का लड़का कैसे इतने बड़े साम्राज्य 56 देशों का तक फैल गए, कबीले का लड़का इतने बड़े सल्तनत का संस्थापक कैसे बन गए, कैसे इतना बड़ा साम्राज्य कर लिया, आइए उनके बारे में कुछ स्टोरी, कुछ हिस्ट्री, कुछ दिलचस्प बातें, रोचक तथ्य जानते हैं। 1991 मृत्यु 1280 मृत्यु संस्थान सोगुत शहर। इर्तुगरुल गाजी की समाधि सोगुत में ही है। इर्तुगरुल गाजी के पिता का नाम सुलेमान शाह, इर्तुगरुल गाजी के माता का नाम हायमा हातून, इर्तुगरुल गाजी की पत्नी का नाम हलीमा हातून, इर्तुगरुल गाजी के पुत्र का नाम उस्मान, और भी पुत्र थे गुंदुगदू उस्मान, उसमें से उस्मान अगला सल्तनत का प्रथम सुल्तान बने। रोम की सीमा में प्रवेश करने के पश्चात इनका सीधा मुकाबला रोम की सल्तनत के साथ हुआ। यह मुकाबला सोगुत नामक शहर में लड़ा गया। इस युद्ध में पता हासिल करने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र के दम पर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जिसे विश्व की मजबूत सल्तनतों में से एक माना जाता है। इर्तुगरुल गाजी का विवाह सल्जुक सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान के साथ हुआ था। कई लोग हलीमा सुल्तान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुर्की की ही रहने वाली थी। इर्तुगरुल गाजी को मृत्यु के पश्चात सोगुत शहर में ही दफनाया गया। इनके पुत्र उस्मान प्रथम ने सोगुत शहर में इर्तुगरुल गाजी के नाम पर एक बहुत ही सुंदर मस्जिद और मकबरे का निर्माण करवाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस मकबरे में दरारें आती गईं, जिसका कई बार पुनर्निर्माण भी करवाया गया है। इतिहासकारों के अनुसार अंतिम बार सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय ने इस मकबरे का 19वीं शताब्दी के अंत में पुनर्निर्माण करवाया था। काई कबीला बंजारों की तरह इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि चारों तरफ उस समय मंगोल, एक तो दाहिने तरफ एशिया की तरफ से मंगोल और बाएं तरफ से रोमन साम्राज्य, बीच में मुस्लिम साम्राज्य कुछ थे जो टूट चुके थे। चारों तरफ से मंगोलियन चंगेज खान के लोग आक्रमण कर लोगों को तहस नहस कर दे रहे थे। वो जीतने के लिए नहीं युद्ध लड़ रहे थे, बल्कि तहस नहस करने के लिए मंगोलियन चंगेज खान के लोग युद्ध लड़ रहे थे। गौर फरमा दूँ कि चंगेज खान कोई मुस्लिम नहीं, उसका नाम हान था, जिसे बाद में लोग बोलते बोलते हान हान तो खान हो गया, लेकिन वो एक मुस्लिम नहीं था। वो तो खून पीने वाला, इंसानी खून पीने वाला एक दरिंदा था समझे, और शैतान का पुजारी था। तो उनसे लड़ते बसते जैसे भी करते हुए लोग वहाँ का, इतना ही नहीं चारों तरफ के दुश्मनों से घिरे हुए होने की वजह से हर समय इनके सतर्क और चौकन्ना रहना पड़ता था। मंगोल आक्रमणकारी इनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। इसके अतिरिक्त भी इन्हें लोकल सुल्तानों के साथ कई बार संघर्ष करना पड़ा। ईसाई यरूशलेम शहर पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि यहूदी और मुस्लिम भी इस पर अपना हक जमाते थे। उस समय यह स्थान मुस्लिम शासकों के कब्जे में था। आज भी यरूशलेम शहर के तीन मजहब में भयंकर लड़ाई जारी है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध इसी शहर की वजह से है। इर्तुगरुल गाजी चाहते थे कि उनके कबीले के एक निश्चित स्थान मिले, वहाँ पर शांति के साथ जीवन व्यापन किया जाए। इसी चाहत में उन्हें कई संघर्ष करने पड़े और कबीले के महत्वपूर्ण लोगों की कुर्बानियाँ तक देनी पड़ी। ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया नामक सल्तनत की स्थापना हुई। यह सल्तनत विश्व की सबसे शक्तिशाली सल्तनतों में से एक थी। लगभग 600 वर्षों तक शासन करने के पश्चात 1920 में जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, तब सल्तनत उस्मानिया का अंत हुआ और इसकी जगह तुर्की नामक देश की स्थापना की गई।
दिल्ली से इर्तुगरुल एक ऐसा टीवी शो है जिसमें सल्तनत उस्मानिया के पहले की कहानियां और इर्तुगरुल गाजी के संघर्ष को दिखाता है। 13वीं शताब्दी पर आधारित टीवी पर प्रसारित होने वाला यह शो तुर्की का गेम ऑफ थ्रोन भी कहा जाता है। इस वेब सीरीज में बहुत शानदार महलों के साथ साथ शाही कपड़े, तलवारें और मोहब्बत का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, सीरीज़ का म्यूज़िक बहुत ही जोशीला है। इस टीवी शो के लोगों का इतना प्यार मिला कि यह बहुत कम समय में तुर्की, अफगानिस्तान, दुबई, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश जैसे देशों में भी बहुत ही अधिक लोकप्रिय हो गया, लोकप्रियता के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली से इर्तुगरुल शो की कहानी बहुत ही शानदार है और इस शो के माध्यम से दिल्ली से इर्तुगरुल की कहानी का बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया है। दिल्ली से इर्तुगरुल को मूल रूप से तुर्की में 2014 में प्रसारित किया गया था, लेकिन 2019 में नेटफ्लिक्स और 2020 में यूट्यूब पर आने के पश्चात इसकी लोकप्रियता में अचानक बहुत ही बड़ा इजाफा हुआ। अगर आपने दिल्ली से इर्तुगरुल गाजी का सीरियल नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लें और मेरे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे का आपको आप सभी को अगर मेरा ये कहानी अच्छा लगा हो, हिस्ट्री अच्छा लगा हो और आगे भी ऐसा ही आप कहानी जानना चाहते हैं, हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में कहें कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पर आपको जानना चाहते हैं। थैंक यू।